दिल मैया का जो भी दुखाएगा जीवन में चैन नहीं पाएगा। क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता वो किसी देवी देवता पर जाने का हकदार नहीं होता और ना ही जीवन में कभी उसको चैन आता है। सबसे पहले भगवान हमारे माता पिता होते हैं। कवि महोदय ने बताया भी है कि रीस करे बेकार भतेरे हरिद्वार जाने की, पर घर तीर्थ माँ बाप जरूरत है सेवा ठाणे की। हमेशा माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही आदमी को घर से निकलना चाहिए, लेकिन आजकल सबसे बड़ा जो चलन है मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। पहले लोग बाग माता के पैर छूते थे, आज पहले फोन देख लेते हैं कि बैटरी है या नहीं है, पूरा दिन बाहर गुजर जाएगा। आइए एक भजन के माध्यम से किस प्रकार से बता दिया। मैया का जो भी दुखाएगा, मैया का जो भी दुखाएगा दुनिया में चैन नहीं पाएगा। मैया का जो भी दुखाएगा जीवन में चैन नहीं पाएगा। मैया का जो भी दुखाएगा जीवन में चैन नहीं पाएगा। मैया का जो भी दुखाएगा जीवन में चैन नहीं पाएगा। चरणों से जान जो हटाएगा जीवन में चैन नहीं पाएगा। मैया का जो भी दुखाएगा जीवन में चैन नहीं पाएगा। जो भी दुखाएगा वो जीवन में चैन नहीं।
सर्प के अंदर होता है, भगवान से भी तरह तरह के वादे करता है कि भगवान मुझे बाहर निकालो, मैं तेरी दिन रात भक्ति करूंगा, दिन रात तेरी पूजा करूंगा, लेकिन बाहर आकर के एक एक कौल करार को भूल जाता है, वचनों से पलट जाता है। उसी प्रकार से माता पिता जीवन दे देते हैं, इस नाशवान संसार में आकर के माता पिता का आदर मान भाव करना भी भूल जाता है, भूल जाता है कि किस किस प्रकार के कष्ट तेरी माता ने तुझे पालने में उठाए होंगे। एक त्रिया का होकर के आदमी रह जाता है, सारी जवानी निकाल देता है, लेकिन अंत समय में उसको याद जरूर आती है। आइए तीसरी बात के माध्यम से माँ की ममता का किस प्रकार से कवि ने वर्णन कर दिया ये बता दिया। अगर इंसान अपनी माँ को अपने पिता को भोजन नहीं करवा सकता तो महामाई के सामने रखा ये छप्पन भोग व्यर्थ हो जाता है। चाहे बड़े बड़े भंडारे करवा दे, चाहे कितना भी दान पुण्य कर ले, लेकिन घर में अगर माँ बाप दुखी हैं, तो वो सारा दान, सारा धर्म, सारा भोग सब व्यर्थ, सब बेकार हो जाता है। क्योंकि इस संसार से आदमी हर वस्तु खरीद सकता है, सभी वस्तुएं यहाँ मिल जाती है, लेकिन जो माँ की ममता होती है वो सिर्फ और सिर्फ माँ से मिलती है। एक बार मेरे लिए ना सही, इन कलाकारों के लिए ना सही, एक बार अपनी अपनी माताओं के लिए जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए, जोरदार ताली। आइए चौथी और अंतिम बात के माध्यम से ये बता दिया वाला। अगर उसको ही हो, अगर उसको ही तू भूल जाएगा, जीवन में चैन ना पाएगा, मैया का जो प्रेम पाएगा, जीवन में चैन ना पाएगा, वो जीवन में चैन ना पाएगा, जीवन में चैन ना पाएगा, वो जीवन में चैन ना पाएगा, जीवन में चैन ना मैया का, ओ दिल मैया का, ओ दिल मैया का जो तू पाएगा, जीवन में चैन ना पाएगा, ओ दिल मैया का जो तू पाएगा, जीवन में चैन ना पाएगा। बोले सेनों वाली मैया की, बोल सच्चे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगामी कार्यक्रम गुरुजी जयवीर भाटी जी।